بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم सलाहलई का या यारसूल्ला वसलमालई कायाबी भल्ला रब्बे कौन न मेरे दिल की सुन सुने रब्बे कौन शान आना है तेरी माली को मुखताज है तू मुझको मालूम है दुनिया का मददगार है तू मैं हूँ मुखताज मुझे दौलत ही मा दे दे जिसके सदके में मैं को बनाए मैं हूँ कमज़ोर मुझे सर का दोहत कर दे रबे कौन है न मेरे दिल की दुआएं सुने रबे कौन है न मेरे दिल की दुआ था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिबरी उतरे न थे का मुबारक हो शहर हर दो सिरा त शरीफ़ ले आए मुबारक हो मुहम्मद मुत शरीफ़ ले आए मौला सली विमाई आबाद न खलकी कुल्ली है मी न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था जमीनों आसिमा में कोई भी मिस का वालेक आपका नाम बेटा फरा शहजादी। तालीम एम एस सी मैथ्स तो कितना अर्सा हो गया स्कूल को जी हमारे स्कूल को तकरीबन 25 साल से ऊपर हो गया है इससे भी काफी अर्सा ज्यादा हो गया स्कूल जब से हम ये चला रहे हैं और बड़े बखूबी तरीके से हम इस स्कूल को चला रहे हैं और सारे काम जो हैं बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं कि जितनी हमारी कोशिश है कि जितना बच्चे इधर से अच्छी तलीम लेकर निकले वो सारी स्ट्रगल हम इसके लिए कर रहे हैं। तो स्कूल का नाम वलीर मॉडल स्कूल ये किस जगह पे वाक़ मराका गाँव तो आपको किस तरह शौक़ हुआ इस फील्ड में जी अपने टीचर्स को देख के जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया है उनको देख के दूसरों को सिखाने का जज्बा हमारे अंदर आया है कि हम भी इस तलीम को दूसरों तक अपनी तलीम को दूसरों तक पहुंचाएं बच्चों के वालदेन को शौर है इस इलाके में पहले कुछ अर्सा पहले इतना नहीं था लेकिन अब जैसे जैसे हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है वैसे इस एरिए के लोग भी तरक्की कर रहे हैं लोगों में शूर आता जा रहा है जदीदियत के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं जिन चीज़ों को वालदेन को नहीं पता था अब वो बच्चे जाके बताते हैं कि ये चीज़ न्यू आई है ये आपने ऐसे करना है हमारे बच्चे खुद अपने वालदे को अब सिखा रहे हैं अच्छा बेटा ये बताएँ कि कहाँ तक क्लासेज हैं आपकी हमारी क्लासेज एट तक हैं और एट तक हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं तलीम देते हैं मिडिल तक अभी हमने इसको मैट्रिक लेवल तक करवाना है इन शह जल्दी क्लासेज एट तक है तो सलेबस कौन सा आपका सिलेबस हम पंजाब टेक्सट बुक चला रहे हैं जो पंजाब ने अलाउ किया हुआ है जो हमारी हुकूमत ने सिलेबस चलाया है हम वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सालाना रिज़ल्ट आपका क्या रहता है अलहमदुल्लह सालाना रिज़ल्ट हमारा अच्छा रहता है बच्चे बड़े शौक से स्पेशली जो हमारे एनअल पेपर्स होते हैं उनकी बड़ी तैयारी करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए तो तकरीबन तकरीबन हमारा जो रिज़ल्ट है वो नाइन्टी परसेंट ही होता है इलाके के मसाइल होंगे इलाके के ये थोड़े आलूगी के मसाइल हैं सीवरेज सिस्टम नहीं ठीक था पहले अब फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनको सफाई की ज़रूरत है तो हुकूमत को चाहिए कि उनको देखें हर इलाके का ख्याल करें कि जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं उनको उन उन चीज़ों को उन मसाइल को ठीक करें अच्छा लॉकडाउन में क्या नुकसान हुए हैं प्राइवेट स्कूलों के लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे जैसे जो मकामी स्कूल हैं उनके लिए तो यही था कि वालदे जो थे मोस्टली हमारे यहाँ जो हैं वो किराएदार हैं तो फीस नहीं देते दे थे वो बच्चों की मतलब जो बाकी हायर स्कूल हैं हायर लेवल पे हैं उन्होंने तो फीसज ली हैं किसी भी तो तौर पे माफ़ नहीं की लेकिन हमने अपने बच्चों से फ़ीस नहीं ली मोस्टली पेरेंट्स ने बच्चों की फ़ीस माफ़ करवाई है और हमने उनके साथ तावन भी किया है हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही था लेकिन फिर भी हम जैसे भी घरों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने पढ़ाया है उनका नुकसान नहीं होने दिया ट्यूशन दे के स्कूल हमारा बंद रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा यही था इकनॉमिकली स्कूल को बहुत ज़्यादा तब नुकसान हुआ था तो बड़ी मुश्किल से हम उस फेस से बाहर आए हैं बड़ी अच्छा वैक्सीनेशन हो गई है आप आपके स्कूल जी अलहमदिल्ला हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं 12 इयर्स या 12 इयर्स से अबव उन सब की वैक्सीनेशन हो चुकी है अच्छा मैडम कोई पैगाम दें बच्चों के वाले को अपने स्कूल की तरफ से वालदेन के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा दोस्ताना रवैया रखें उनको समझें जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं हाँ यहाँ से हमारी जिम्मेदारी तो है हम उनको समझाते हैं लेकिन वालदेन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की मुश्किल को सुने उनको समझें उनकी खबरगिरी करें स्कूल आए हर वीकली उनके लिए आए चले स्कूल वाले तो बुलाते रहते हैं लेकिन उनको ख़ुद भी चाहिए कि अपने बच्चों पर चेकआउट रखें कि उन पर नज़र रखें कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं किस तरफ़ जा रहे हैं और घरों में भी उनको टाइम दें घर ला, में लाजमी टाइम दें उन्हें थैंक यू बेटा शुक्रिया